ॐ अग्निनय सुपथारय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहराण मेनो ते न मुक्ति ॐ वन्दे वोधुमयम् गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते ॐ मातुरं भगवती देवी श्रीराम पाद में तयो श्री प्रणमा कॉन्फिडेंस आत्मबल और सबसे बड़ी बात यह कि अपने जीवन में इस स्तर का विश्वास हो कि हम ये कर सकते हैं हम कर सकते हैं जिस दिन ये आ जाता है उस दिन आस्तिकता आ जाती है आस्तिकता हम बहुत बोलते है हैं कि हम आस्तिक हैं आस्तिक हैं परमात्मा को मानते हैं पर हम न जाने क्यों परमात्मा पर विश्वास भूल जाते हैं पर परमात्मा पर विश्वास रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी जिसने जीवन में बाधाओं को सहा बाधाओं से सामना किया उन्होंने केवल एक ही काम किया कि अपने जीवन को उन्होंने विश्वास से भराया प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर शाम तक शाम से लेकर सुबह तक आत्मविश्वास ही आत्मविश्वास बूस्टअप करते रहे अपने अंदर इंजेक्ट करते रहे अच्छी तरह से तो ये हमेशा ध्यान रखना कि सफल वही होगा जो जिसने लोगों के हृदय को जीता है लोगों के जीवन में जिसने आत्मविश्वास को भरा है अपने जीवन में आत्मविश्वास को भरा है वही जीव वही जीवन में सभी जय होता है यूँ तो जीने को देखो प्राण शब्द के साथ जुड़ा हुआ है प्राणी प्राणी शब्द में क्या मतलब क्या होता है जिसके अंदर प्राण है वो प्राणी है ना इतना तो मानते हो ना तुम लोग प्राण होने के नाते हम प्राणी हैं और गायत्री प्राणों की रक्षा करने वाली विद्या है इसलिए हम गायत्री की उपासना करते हैं प्राणी होने के नाते तो हम जो प्राणी हैं हम प्राणियों के अंदर प्राण जिंदा रहे और प्राण का ऊर्धारोहण होता रहे वो तभी संभव है जब हम ये समझ सकें कि हमारे अंदर इतनी अनंत संभावनाएं भरी पड़ी हैं जिनको हम पहचान नहीं पाए अभी तक जिसके हो जिसके हो पद चिन्ह अमिट वही इतिहास नेता जिसने जीते देव वही होता है विश्व विजेता विता विश्व विजेता जिसके हो पद चिन्ह अमिट वही इतिहास सुझेता जिसने जीते देव लिख देता जो काल पट पर अपनी जीवन गाथा लिख देता जो काल पट पर अपनी जीवन का था तभी झुकाते आए उसके सम्मुख अपना माथा I'm going be मंत्र मेरे साथ साथ बने ओम भूर्भुवा स्वाह तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञाता आफ्टर अश्विन नवरात्रि दिस इज टाइम देन दैट वी आर टॉकिंग टू इच अदर इस बीच इतने सारे जलसे हुए इतने सारे फेस्टिवल हुए पूरा अक्टूबर का महीना जलसों में निकल गया पर दो अक्टूबर लास्ट क्लास थी तुमको याद है याद है ना? वो हमें नवरात्रि की क्लास थी उसके बाद बीच में तुमने जो भी लेक्चर सुने वो लेक्चर फेस्टिवल से रिलेटेड थे अभी आज क्लास लेने का प्रपोजल इसलिए दिमाग में क्लिक कर गया कि अगर एग्जामिनेशन देना है तो एग्जामिनेशन के लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए गीता के हिसाब से क्या गीता क्या कहती है गीता के हिसाब से हम आज बात करेंगे छठे अध्याय का पैंतीसवां और छत्तीसवां श्लोक छठे अध्याय का पैंतीसवां छत्तीसवाँ श्लोक तुम्हारे इसमें तुम पॉइंट आउट कर लो बस केवल फिर घर जाके पढ़ लेना उसमें लिखा है कि हे कृष्ण आप कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना चाहिए मन को पर मन तो वायु के समान दुष्कर है कंट्रोल में नहीं, नहीं आता मन मन कंट्रोल में नियंत्रण में नहीं आता भगवान कृष्ण कहते हैं असंशय मना महाबाहो मन दुर्निग्रह अचलम ये बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना इसको बड़ा कं मतलब कोई आसान नहीं बात है बड़ी मुश्किल बात है तो इसको कैसे कंट्रोल करें तो वो कहते हैं अभ्यासन तुकुनते हैं वैराग्यण्य ग्रहते अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आता है अब क्या क्या चीज़ें हैं इसमें तुम्हारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं बताता हूँ मनुष्य की अच्छाइयाँ विभूतियाँ सिद्धियाँ सभी का राज उसकी एक ही जगह है उसका मन मन हमारा बड़ा पावरफुल है जितनी भी सिद्धियाँ विभूतियाँ हैं जितनी भी किसी की विशेषता है जितने भी किसी के अंदर कोई खासियत है जितनी भी किसी के अंदर बोलने की खासियत है लिखने की खासियत है अपने आप को एक्सप्रेस करने की खासियत है अपनी पर्सनलिटी को एक्सप्लोर करने की ताकत है वो उसका मन है बायोलॉजिकली सब बराबर है थोड़ा एक आदमी मोटा दुबला हो सकता है एक आदमी लंबा छोटा हो सकता है पर मन सबके एक अलग अलग हैं जैविक संरचना सबकी एक जैसी है मानसिकता से भेद ही उन्नति का सफलता का विफलता का कारण है हमारी मानसिकता कैसी है हमने मानसिकता को अपनी स्ट्रांग बनाया कि नहीं यदि ये अगर हमारे दिन, मन, मन में होगा तो कभी दिक्कत नहीं होगी कई बार शारीरिक विकलांग भी असंभव काम कर जाते हैं शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों को देखा है तुमने एक लड़की अभी पैराप्लेजिक थी वो वहाँ चढ़ के आई है उस पर चढ़ के आई है एवरेस्ट पे चढ़ के आई है तुमने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि उसने वहाँ जा के एवरेस्ट जीता है और वो किस किस तरह से उसने अपने आप को इस तरह से इस सामर्थ्य डेवलप की और धीरे धीरे करके कुछ रेंजेस पे हाइट पे जाकर कुछ हाइट पे जाकर के कुछ हाइट पे जाकर ऐसे करके एक्मेटाइज किया अपने आप को वहाँ के हिसाब से तालमेल बिठाया संतुलन बिठाया और उसके बाद वो जीत के आई अभी अभी की बात है मुश्किल से एक महीने पहले ये मनोबल से हो पाता है ये जो मन की जो स्ट्रांग स्ट्रेंथ है उसके ऊपर निर्भर करता है स्टीफन हॉकिंग का तुमने नाम सुना होगा साइंटिस्ट हैं पर न चल पाते हैं न बोल पाते हैं न कुछ कर पाते हैं पर केवल अपनी पलकों के इशारे से और हाथ की हल्की सी फिल से कंप्यूटर के आईसीस को मूव कर देते हैं और उससे अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं ही इज़ ए वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट और वो कहते हैं मैं नास्तिक हूँ मैं नहीं मानता भगवान है पर जीवन है इस पृथ्वी के बाहर भी जीवन है और जिस दिन आदमी उस जीवन को ढूंढ लेगा उस दिन भगवान कहलाएगा स्टीफन हॉकिंग किताब है द मिस्टीरियस यूनिवर्स बहुत ही बढ़िया किताब है उनके पढ़ने के लायक है द एसेंस ऑफ लाइफ ऐसी कई किताबें उनकी बहुत अच्छी हैं पर विकलांग हैं वो व्हील चेयर में चलते हैं एक बोले एक बार उन्होंने कहा कि मेरे मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूँ कि ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा पर जीवन छोड़ा नहीं उन्होंने सिक्सटी नाइन ईयर्स के हैं और अभी भी जी रहे हैं और खूब उनका नाम तो हर कॉन्फ्रेंस में जाते हैं हर कॉन्फ्रेंस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हैं हर कॉन्फ्रेंस में वो लेक्चर देते हैं और उनका लेक्चर जो होता है वो पूरा के पूरा डिपिक्ट होता हुआ जाता है उसके ऊपर आता है स्क्रीन पर आता है ये क्या है शारीरिक विकलांगता किसी की किसी की बाधक है क्या किसी की इसमें बाधक नहीं है अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं एक व्हाट्सएप व्हाट्सएप है तुम लोगों के पास तो व्हाट्सएप पास। में छोटा सा मेरे पास इंसिडेंट आया कि छः बच्चे रेस कर रहे थे उसमें एक बच्ची गिर गई एक बच्ची गिर गई पांच बच्चे चाहते तो उन रेस को जीत लेते परंतु वो वापस लौटे जीतने की स्थिति में थे वापस लौटे उस छटी को उठाया छटी को अपने कंधों पे लिया और छः के छः एक साथ क्रॉस कर गए और उन्होंने कहा हम सब मिलकर के जीत गए हम सबको फर्स्ट है क्यों क्योंकि पांचों के पांचों पैराप्लेजिक विकलांग थे आर्टिफिशियल लिम्ब लगी हुई थी इसके बावजूद भी उनमें पारस्परिक प्रेम और आत्मीयता इतना ज़्यादा था ये मनोबल की विजय है ये मनोबल से होता है पूरा पूरा ये इस चीज़ की बात मैं यहाँ कह रहा हूँ मन शब्द में बहुत कुछ छिपा पड़ा है मन में कल्पना है विचार हैं गहरे में भावनाएँ हैं है। कल्पना है इमेजिनेशंस विचार थाट्स और गहरे में भावनाएं हमारे मस्तिष्क के अंदर सारे अस्तित्व के सारे गुण हैं सारे गुण इस, इसी में जुड़े हुए हैं लेकिन हमारा मन टिकता नहीं हम स्थिर नहीं रह पाते हम एकाग्र नहीं रह पाते हर आदमी इसी चीज़ को पूछता है डॉक्टर साहब आप ये क्यों नहीं बताते कि हम हमारा मन कैसे स्थिर रहे हम कैसे एकाग्र रहें यह हर किसी के लिए जरूरी है टीचर के लिए भी प्रोफेसर के लिए भी एच के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी स्टाफ के एक नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी सबके लिए जरूरी है मन एकाग्र है ताकि अचीवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा निकले स्वामी विवेकानंद के संबंध में एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक शूटिंग की प्रतियोगिता विदेश में हो रही थी अमेरिका की बात है एक मेला लगा हुआ था गाँव में तो शूटिंग हो रही थी तो उसमें क्या था उसने दस बारह पॉइंट बना रखे थे और उन पर शॉर्ट लगाने कहा जाता था शॉर्ट लगाने के बाद जो सारे क्लिक कर लेता उसको बहुत सारे पुरस्कार थे पर कोई नहीं कर पाया तो उन्होंने कहा कि देखने लगे साथियों सहित उनके अमेरिकन साथी थे तो उनमें से एक साथी ने कहा कि स्वामी जी एक बार आप भी ट्राई करके देख लीजिए एक बार आप भी दिखा दीजिए कि आप कितने शॉट कर सकते भाई मुझे मालूम नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं मैंने तो कभी बंदूक चलाई भी नहीं फिर भी चलो कोशिश करता हूँ उन्होंने एक बंदूक हाथ में ली एक मन को एकाग्र किया और मन को एकाग्र करके एक एक करके बारह टारगेट थे बारह से बारह शूट कर दिए उन्होंने पूरे पूरे लोग ताली बजाने लगे ये स्वामी जी आपने क्या गजब कर दिया है तो बोले मेरा कमाल नहीं है मैंने तो पहली बार बंदूक हाथ में उठाई है ये मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की है पहली बार पकड़ी है ना तो मैं निशानेबाज हूँ न मैं कुछ हूँ हाँ मैंने अभ्यास किया है तो मानसिक एकाग्रता का अभ्यास किया है निशानेबाजी में विजय एकाग्रता की होती है कला कौशल की नहीं होती निशानेबाजी टारगेट तक पहुंचना, गोल तक पहुंचना केवल एक ही एक ही माध्यम से हो पाता है योर ओन कंसंट्रेशन। आप कितना अपने मन को विक्षुब्ध रहित अवस्था में ला सकते हैं मन की स्थिरता कैसे बना सकते हैं सफलताओं का की जननी यही है सफलता यहीं से पैदा होती है अगर आप विक्षु विक्षुब्ध हो जाएंगे जरा से मैं भी मैं कुछ छोटा सा उदाहरण देता हूँ भगत सिंह बहुत अच्छे निशानेबाज थे भगत सिंह का निशाना कभी चूकते हैं तो आजाद बहुत अच्छे निशानेबाज थे पर ये दोनों को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे आज़ाद अपने को भी और भगत सिंह को साउंडर्स जिसने कि लाज ला लाला लाजपत राय पर लाठी चलाने का ऑर्डर दिया था और जिसकी लाठी से उनकी डेथ हुई थी उसको मारने का इन्होंने इन्होंने वो बनाया प्लान बनाया तो मैं से कई लोगों को ये कहानी मालूम है शायद कि लाला लाजपत राय के मर्डरर सॉन्डर्स को जो हमें ब्रिटिश सोल्जर था ब्रिटिश लगभग कमांडेंट डी एस पी एस पी के स्तर का तो उसको मारने के लिए इशारा करने के लिए दो लोग मौजूद थे और दो लोग मारने के लिए मौजूद थे हाथ में पिस्तल थे आजाद ने बिठा करके समझाया देखो तुम उसको देख के उत्तेजित मत होना तुम उसको देख के विक्षुब्ध मत होना गुस्से में मत आ जाना द मोमेंट यू आर इन टेम्पर द मोमेंट यू आर एंग्री द मोमेंट यू स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन तुम्हारा हार्ट कांपने लगेगा और तब तुम्हारा निशाना नहीं लगेगा तो तुम ध्यान रखना इस बात का ध्यान रखना कि तुम इम्पल्सिव मत होना तुम बिल्कुल कड़े होकर कड़े दिल से उसको मार देना गोली मार देना ये आज़ाद की टीचिंग थी भगत सिंह की टीचिंग थी हुआ गलत थी हुआ उल्टा वो जैसे ही उसने उसको देखा और उस बाहर आते देखा उसने देखा निशाने की हद में है निशाने की हद में सीमा में आ गया है और मैं मार सकता हूँ इसको जैसे उसने अपनी पिस्टल पिस्टल उठाई और मारने के लिए तो वो कांपने लगा क्योंकि उस गुस्सा आ गया उसको बुरी तरह से इसी ने मारा था लाला लाजपत राय को बस वही जो नहीं होना था वो हो गया अल्टीमेटली निशाना फिसल गया और वो घायल वो घायल होकर गिर गया हाथ में हाथ में लगती हुई गाड़ी निकल गई जो यहाँ लगनी चाहिए थी वो यहाँ लग गई और और फिर ये लोग साइकिल में भागे लाहौर की गलियों में होते हुए निकलते हुए किसी तरह से कहीं ना कहीं पहुँचे अल्टीमेटली पकड़े गए इनके साथ साथ पूरा पूरा मुहिम पकड़ी गई पूरे पूरा पूरे -पूरे -पूरे माहौल पकड़ा गया मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मन अगर थोड़ा सा भी गुस्से में आ जाए तो आपकी असफलता सुनिश्चित है इसलिए गुस्से से दूर रहना चाहिए रूठने से दूर रहना चाहिए दुनिया भर की जो कुंठाएं हैं उनसे दूर रहना चाहिए ताकि मन हमेशा सफलताओं को जन्म दे हम कहते हैं कि पढ़ने मन नहीं लगता कई बार हम कहते हैं ना पढ़ने मन नहीं लगता हम बहुत कोशिश करते हैं क्यों नहीं लगता उन चीज़ों में जिनमें हमको मन लगता है उनमें हमारी रुचि होनी चाहिए रुचि नहीं है पढ़ने बैठे तो माँ की याद आने लगी इतने में घर से फ़ोन आ गया हम बात करने लगे बहुत अच्छा लगा कि माँ माँ ने फ़ोन पर कॉल किया, किया इतने में रेंज कट गई और ये फ़ोन पे मैसेज आने लगा जिससे आप बात करना चाहते हैं वो आउट ऑफ रेंज बहुत दिनों से सुन रहे हो तुम लोग ये सब फ़ोन पे सुनते हो कि नहीं मोबाइल पे कि पर्सन इज आउट ऑफ रेंज है ना तो अब मन उचट गया फिर सब कुछ हो गया और ये मैसेज इधर गया ये आ गया कि आउट ऑफ रेंज है तब तो फोन पे बात हो रही थी मन माँ की याद आ रही थी और बात आधी हुई थी पूरी भी नहीं हुई थी अब आप, आपने रख दिया आपने फोन एक तरफ अब ये एक तरह से आपका जो पुरुषार्थ जो आप करना चाहते थे वो सारा के सारा अधूरा रह गया मन की तीन विशेषताएं हैं तल्लीनता तन्मयता तत्परता तल्लीनता लीन हो जाना तद तत् उसमें लीन हो जाना लक्ष्य में लीन हो जाना परमात्मा में लीन हो जाना उत्कृष्टताओं में लीन हो जाना आदर्शों में, में श्रेष्ठताओं में लीन हो जाना लीन मतलब मर्ज योर आइडेंटिटी विथ दैट ऑल बस लीन हो जाना दूसरा तत्परता स्फूर्ति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर है संयतेन्द्रिय श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है तत्पर को संयतेन्द्रिय को जिसकी इंद्रिया कंट्रोल में है तत्पर और संयतेंद्रिय दोनों वर्ड जुड़े हुए हैं गीता में तत्पर यानी तुरंत जो एक्शन ले ले प्रत्युत्पन्नमति तुरंत एक्शन ले ले और तन्मयता तन्मयता तद उसके साथ मिल जाने का भाव तन्मयता यानी लक्ष्य तुम्हारा ये है पढ़ाई लक्ष्य तुम्हारा ये है मैं चाहे लेक्चर देने जाऊँ बाहर कल मैं जा रहा हूँ कल से लेकर बारह तारीख तक मैं करीब करीब आ, दस बारह बारह तेरह लेक्चर दूंगा जगह जगह चंद्रपुर रायपुर नागपुर कोरबा इन सब जगह पर मैं जब बोलूँगा तो मैं तन्मय होकर बोलूँगा तल्लीन होकर बोलूँगा अपने विषय में क्योंकि मुझे अपने विषय के बारे में मालूम है और मैं मुझे ये आर्ट मालूम है कि किस तरह से मुझे अपनी बात को प्रस्तुत करना है वहाँ मेरे सामने कॉपीज भी नहीं होंगी नोटबुक भी नहीं होंगी पर मैं अपने विषय में पूरी तरह से तल्लीन होकर बोलूँगा तुम्हें बोल पाऊँगा तुम्हें भी बेटा चाहे लिखना हो चाहे बोलना हो ये ध्यान रखना है कि तन्मयता तल्लीनता तन्मयता ये तुमको डेवलप करनी पड़ेगी ये एक साथ नहीं होते कई बार बच्चा सबसे ज़्यादा तल्लीन होता है बच्चे को तुमने देखा है छोटे बच्चे को आंखें टिकी रहती हैं एकदम कार्टून सीरियल सीरियल आ रहा है देख रहे हैं उनको पूरी तरह से जरा सा आप सीरियल चेंज कर दीजिए तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा थोड़ा सा ध्यान एकटक देखता रहता है मन को साधने के लिए हमको साधना करनी पड़ती है और बच्चे की तरह से मेंटेलिटी डेवलप करनी पड़ती है जैसे बच्चे की एकाग्रता होती है उसकी तरह से हम एकाग्र बने अर्जुन कहता है मन बड़ा चंचल है चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़ चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी प्रमथन स्वभाव वाला बहुत जबरदस्त बलवदृढ़म बहुत ज़्यादा मजबूत है बहुत ज़्यादा बलवान है और दृढ़ है ये बड़ा गड़बड़ कर रहा है क्यों क्योंकि ये हमें तस्य हम निग्रह ने इसको पकड़ना उसको पकड़ के रखना वश में करना वायुरीव दुष्कर्म मैं वायु को बांधने के समान समझता हूँ जिस तरह हवा को बांध सकते हैं हवा को नहीं बांध सकते जब हवा को नहीं बांध सकते तो उस तरह से मन को हवा की तरह से चंचल बांधता हूँ ऐस एत्याहम न पश्चिमी चंचलात चंचल चंचलत्वात स्थितिम इसका मन चंचल मन, मन चंचल होने के कारण मैं इसको स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए अब हम कितना ईमानदार प्रश्न है ईमानदारी से पूछा गया एक शिष्य के द्वारा गुरु से प्रश्न है कि ये मन बड़ा चंचल है पकड़ में नहीं आ रहा और बड़ा एकाग्र बड़ा बलवान है ऐसा भागता है तेजी से इधर कभी इधर कभी फिल्मों की तरफ भागता है कभी खेल की तरफ भागता है कभी फिर सहेलियों की तरफ भागता है कभी माता की तरफ भागता है कभी पिता की तरफ भागता है कभी किसी की तरफ भागता है इसको कैसे कंट्रोल करें भगवान कृष्ण कहते हैं हाँ बेटा बिल्कुल तू तो सही कह रहा है असंशय महाभाव हे अर्जुन इसमें कोई संशय नहीं है पैंतीसवें श्लोक मनोहर दुर्निग्रहम दुर चलम मन बहुत ज्यादा चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है अभ्यासन तो कोते वैरागिण्य गृहते अभ्यास और वैराग्य से पकड़ में आएगा क्यों क्योंकि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है जिसका मन वश में नहीं है वो वो योग नहीं से साध सकता और वश में किए हुए मन वाले के द्वारा उसका साधन से प्राप्त होना सहज है जिसने मन को वश में कर लिया तो आज हमने जिसने गीत को किया था जिसने जीते हृदय वही जिसने जीता मन वही होता है विजेता चाहे वो एग्ज़ाम हो वो चाहे दुनिया की जीत दुनिया की लड़ाई हो हर दुनिया की लड़ाई में और हर संघर्ष में विजय उसी को मिलेगी जिसके पास ये होगा मन को कंट्रोल करने का साधन तो कैसे वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं हम तुमसे इतफाक़ रखते हैं तुम जो कह रहे हो कि वायु की वायु को रोकने की तरह से मुश्किल है हाँ फिर भी अभ्यास और वैराग्य से जो इंसान के हाथ में है किया जा सकता है अभ्यास से कैसे किया जा सकता है अभ्यास का मतलब है अभ्यास से मन की समुची संरचना को बदला जा सकता है अभ्यास प्रैक्टिस 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 एवरी डे इट नीड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है पानी ग्लास में तो ग्लास का आकार ले लेता है पानी बाल्टी में बाल्टी का आकार ले लेता है पानी थाली में थाली का आकार ले, ले लेता है जैसा आसपास का स्वरूप होता है वैसे ही आकार लेता है ले ले ले. मन भी अभ्यास के माध्यम से संरचना से आकार ले लेता है ले ले ले. बदल लेता है जिस बात का आपने अभ्यास किया है उस पर क्रेविंग पैदा होने लगती है अगर आपने अच्छी किताबों को पढ़ने का अभ्यास किया है तो आपको क्रेविंग आपके अंदर उस चीज़ को पाने की जिज्ञासा ललक पैदा होगी बस अब वो अभ्यास आपका कौन सा है इस पर डिपेंड करता है कुछ कुछ लोगों को तम्बाकू का अभ्यास होता है तम्बाकू खाने का अभ्यास होता है उनसे बोलते हैं समझाते भी हैं भाई साहब क्या करते हैं आप तम्बाकू क्यों खाते हैं इतनी बदबू आती है आपके मुँह से और आप खाते हैं बदबूदार चीज़ खाते हैं कड़वी चीज़ खाते हैं कैसे खाते हैं अरे आप खा के देखो आपको मज़ा आएगा क्लिक क्लिक होता है वो बोलते हैं पेट साफ़ नहीं होता अगर हम तम्बाकू नहीं खाएंगे तो पेट साफ़ नहीं होंगे मतलब ये जितने लोगों का पेट साफ़ नहीं होता है सबको तम्बाकू खाना चाहिए मेरी भोपाल में पोस्टिंग हुई मैं हरिद्वार से बी हरिद्वार बी से भोपाल बी गया तो वहाँ मुझे आ, रमन तो है नहीं रमन बाहर गए हुए ना अपने हाँ तो रमन भी साथ थे मेरे स्कूटर पे मैं भी साथ था मैं मैं चला रहा था वो मेरे पीछे बैठे थे एक जगह हम पान खाने के लिए रुके उस ज़माने की बात बता रहा हूँ जिस ज़माने में मैं यहाँ नहीं आया था उसके पहले की। तो हम पान खाने के लिए रुके तो उसने कहा कि तम्बाकू डाल दूँ थोड़ी सी मैंने कहा नहीं भाई मैं को मैं नहीं खाता तम्बाकु अरे यहाँ रुकोगे तो खाने लगोगे क्यों क्योंकि भोपाल के पानी तालाब के पानी में बहुत कीड़े हैं आप खाने लगो नहीं तब का कीड़े कैसे मरेंगे अंदर के मतलब देखो बहाना क्या बना रहा है आदमी <laughs> पेट साफ होगा तब जब आप आप अपना यहाँ तमकू खाना चालू करोगे तमाकू खाने के लिए भी ये एक्चुअली ये लोग जितने भी ऐसे लोग होते हैं ये लोग बड़े बड़े बड़े, बड़े शातिर लोग होते हैं माहौल बनाते देते हैं पूरे दुनिया में कि ये ऐसे लोग ना दोस्त ढूंढते हैं ऐसे लोग दो, दोस्तों दुनिया में फिर से इसका मतलब सभी खाने लगे दोष ढूंढते हैं शराब पीने वाले का अभ्यास बन जाता है तो वो भी अपना दोष ढूंढ लेता है शराबी को शराबी ढूंढने में दिक्कत नहीं पड़ती तम्बाकू खाने वाले को तंबाकू खाने के लिए दिक्कत नहीं पड़ती वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा दिख जाता है यूँ करता हुआ कोई ना कोई बस वो ढूंढ लेता है वे पकड़ लेता है ये मिल गया है दोनों मिल करके गप भी मारते हैं पीठ पर हाथ नहीं मारते फिर नाम वाम बाद में पूछते हैं पहले खा लेते हैं एक दूसरे का बलिदान मांगता है बलिदान क्या बलिदान मांगता है त्याग बलिदान ये कि झूठ बोलता है नशेड़ी की व्यक्तित्व की संरचना बदल जाती है नशेड़ी बिना उसके रहनी रह नह नहीं पाता यह अभ्यास का परिणाम अभ्यास से जब नशेड़ी बदल सकता है और पूरी तरह से अपने आप को नशेड़ी बना सकता है तो अभ्यास से एक अच्छा लड़का बहुत अच्छा लड़का क्यों नहीं बन सकता एक अच्छा याद करने वाला एक अच्छा पढ़ने वाला बहुत अच्छा सफल व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता हर कोई व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता वह नोबल प्राइज़ विनर अगर अभ्यास किया जाए तो वो अभ्यास से बनाए देखो उसको अभ्यास किया उसने और अभ्यास कर करके कर बनाए अभ्यास का नेगेटिव नेगेटिव स्वरूप है पहली बार खाई होगी तो बहुत कड़वी लगी होगी पर चक्कर भी आ जाते होंगे और हमेशा बुरी चीज़ों के अभ्यास में दिक्कत आती है चाहे ये हो चाहे शराब हो चाहे ड्रग हो कोई भी चीज़ हो शुरू में दिक्कत आती है तो बाद में अभ्यास में आ जाती है वो तो कहते हैं आप तो अभ्यास में आ गए हमारे योग भी अभ्यास का नाम है योग भी अभ्यास का नाम है अभ्यास करोगे धीरे धीरे सज जाएगा चाहे वो नेति हो चाहे धोती हो चाहे वस्ती हो चाहे पंचकर्म के विभिन्न प्रकार हो, चाहे हठ योग हो चाहे वो घृण संहिता के विभिन्न योग के कर्म हो सारे के सारे पूरे एक ही चीज पर टिके हुए हैं अभ्यास इन अभ्यास, इन अभ्यास के माध्यम से जब पूजा का अभ्यास जो करते हैं दिक्कतें उनके जीवन में भी आती हैं जब पूजा करते समय मन नहीं लगता सफलता कब नहीं मिलती अभ्यास में प्रमाद आने पर जब पूजा करने वाला माला करने वाला और मुश्किल से एक माला करता है दो या तीन माला करता है तो उसमें प्रमाद आ जाने पर अरे आज नहीं करी तो क्या फर्क पड़ता है कौन सा गुरुजी नाराज हो जाएंगे गुरुजी से माफ़ी मांगने गुरु जी माफ़ कर देना आज नहीं हो पाए रोज माफ़ी मांग ली रोज छूट गए इससे आपको नुकसान हुआ प्रमाद का मतलब है कि आपको आलस आ गया कि अब ये प्रोकस्टिनेशन थोड़ा आगे बढ़ा दें इसको तो इस वजह से सांस जब जब करती है अब ये थोड़ा कह रहा हूं तो बच्चों बुरा मत मानना बच्चियों बुरा मत मानना बच्चे तो कुछ नहीं बुरा मानेंगे सांस जब जब करती है तो सहूब बहू को कई बार सुनाती है देख तूने अच्छी तरह देख लिया कि नहीं तुझे सब्जी कौन सी बनानी है तोरे की सब्जी बनानी है कल तूने बैंगन बना लिया था मैंने तोरे ही कहा था माला कर रही इधर जब इधर जब चल रहा है मैंने तुझे कल बैंगन कहा था तूने कल कहा था तूने बैंगन बना लिया आज मत बनाना और देख मसाला याद है कि नहीं मसाले में क्या क्या एक दो तीन चार गिना भी रही है और माला भी कर रहे ऐसी सासें पूरी दुनिया में कई मिल जाएंगी ऐसी ऐसी महिलाएं बहुत सारी मिल जाएंगी जो सब तरह के काम करती हैं मेरे एक ताऊजी थे वो पूजा करते थे तीन घंटे तीन घंटे पूजा करते करते मैं कई बार इस उदाहरण को बोल चुका हूँ आप लोगों के पीछे और जल भी देते शिव जी को सब कुछ करते पर कम से कम पचास गालियाँ देते थे उसमें नौकर को डांटते थे सब गाड़ी साफ़ की कि नहीं वो देख फोन आया फोन सुना अरे फोन सुनो भाई कोई ना कोई सुनो फोन अभी तो मंत्र भी चल रहा है तो या तो मन लगाओ या फिर तीन घंटे मत करो पंद्रह मिनट करो इतने बिजी प्राणी हो तो पंद्रह मिनट करो केवल दस मिनट करो पाँच मिनट करो ये जो अभ्यास जो है इसमें सबसे बड़ा दिक्कत हमारे जीवन में इसलिए आता है कि उसमें कहीं कही ना कहीं कोई को हस्तक्षेप आ जाता है ऐसी सांस की प्रक्रिया में अभ्यास किसी काम का नहीं आप अभ्यास करोगे तो क्या अभ्यास करोगे? इसका अभ्यास जो है ना कभी सदेगा नहीं कभी नहीं कर पाए अभ्यास तभी संभव हो पाएगा जब वैराग्य होगा अभ्यास तभी संभव हो पाएगा जब वैराग्य होगा दोनों एक दूसरे के साथ ट्विन ट्विन जुड़े हुए हैं जुड़े किस तरह से वैराग्य का मतलब क्या है कुछ चीज़ें करना है कुछ चीज़ें नहीं करना कुछ चीज़ें क्या करना है एक संकल्प पूरा करना है उसकी पहले हटना नहीं है अपने इरादे से एक संकल्प पूरा करना है हम यहाँ आए थे पढ़ने के लिए आए थे पढ़कर हमको पास होना है अच्छे नंबरों से पास होना है मेहनत करनी है परिश्रम करना ये तुम्हारा करने वाला संकल्प वैराग्य किससे कुछ नहीं करना है क्या करना है समय की बचत करने के लिए तुम काम करते हो पढ़ाई करते हो कि समय मिल गया है तो पढ़ें जो आ गया उससे से गपशप लगाने लगते हो अब ये नहीं सोचते तुम कि समय को इस समय बचाना कितना जरूरी है यही नहीं करना है कि जो भी कुछ कामों से विमुख होना है क्या कि, 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 किन कामों से विमुख होना है गप्पबाजी से दुनिया भर के समाचार दुनिया भर की, की न्यूज़ दुनिया भर की बातों में मन मन लगाने से नेगेटिविटी से सबसे ज़्यादा तुमको वैराग्य लेना है नेगेटिविटी से नकारात्मकता से इन सब चीज़ों से वैराग्य ले लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा मन लगने लगेगा मन लगने लगेगा अभ्यास का मन, जो प्रतिफल है वो मिलने लगेगा बहुत से काम हमारे दिमाग में होते हैं बहुत से काम तो मैं तरीका बताता हूँ तुमको जो मैंने अपने जीवन में उतारा एक छोटी सी मैंने डायरी बना रखी है उसमें मैं अपने काम लिखता रहता हूँ माला करता हूँ तब भी मान लो कोई मन में कोई बहुत सारे विचार आए फट 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 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लिख लिए उसके बाद माला को वहीं से शुरू किया जहाँ से बंद किया था फिर माला पूरी करने के बाद पश्चात करने के बाद इस पर निगाह डालता हूँ कैसे करना है इनको कम से कम वो जो काम है मुझे हॉर्न तो नहीं करेंगे कम से कम वो मुझे परेशान तो नहीं करेंगे हम जो है अपने इन संकल्पों के बारे में सीरियस नहीं हो पाते ये छठे अध्याय का दूसरा श्लोक है दूसरे नंबर का श्लोक भगवान बड़े साइंटिफिकली समझा रहे हैं उसको नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवतिक कश्चन है संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता संकल्पों का त्याग करना पड़ेगा संकल्पों का त्याग करने का मतलब क्या होता है कि जो आपने अनावश्यक रूप से जो अपने साथ कई चीज़ें जोड़ ली हैं उनका त्याग करना सीखो एक संकल्प बनाओ उसको पूरा करो हम उन्हें सोच बैठते हैं जो प्रायोरिटी में नहीं है परीक्षा दी नहीं तो नौकरी का सोच रहे हैं अप्लाई कर दिया तुम लोगों ने सब नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया कि नहीं कि नहीं तुम लोगों ने जॉब के लिए फाइनल ईयर वालों ने अप्लाई कर दिया नहीं किया अभी पहले एग्जाम तो दे दो उसके बाद नौकरी के लिए अप्लाई करना है ना तो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है और शुरुआत होने के पहले ही हमने बा, आगे की प्लानिंग शुरू कर दी आगे की प्लानिंग तब करना है जब पहले इसको इसको पूरा कर ले एक संकल्प पूरा हुआ दूसरा संकल्प लेंगे दूसरा संकल्प पूरा हुआ तीसरा संकल्प लेंगे विनोद भावे गांधी जी बोले उनसे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तुमको बहुत घूमे हो पूरे क्षेत्र में तुमको पछता नहीं तुम क्या करो आश्रम का काम छोड़ दो छोड़ करके कांग्रेस का काम तो कोई भी कर लेगा कोई दिक्कत नहीं है तुम साबरमती नदी के पार चले जाओ और तो अपने आप को इससे अलग कर लो इस काम से अलग कर लो वो बोले ठीक है वो बाहर गए आगे साबरमती नदी के पार जाके उन्होंने कहा संन्यास्तम मया संस्तम मया संस्तम मैं संन्यास्त हो गया मैं अब बाबा ने मतलब तो बापू ने मुझे संन््यस्त कर दिया धीरे धीरे ठीक होने लगे जब ठीक हो गए तो फिर वर्धा में जाके बस गए फिर उसके बाद घूमते रहे जीवन भर जीवन भर भूमिदान भूदान आंदोलन चलाया और स्वास्थ्य उनका वो सीमित चीजों पे बहुत कम खाते थे दही और मधु और थोड़ा सा दूध इतना लेते थे और उसी पे उनका जीवन पूरा पूरा चला हमारे जीवन में समस्या तब आती है जब क्या करना है क्या नहीं करना है ये दोनों बातें मिक्स हो जाती हैं क्या करना है वॉट टू डू वट नॉट टू डू वेन दे गेट मिक्सड अप जब मेस हो जाता है पूरा पूरा तब हम जीवन में समस्या आती हैं सफलता उन्नति उत्कर्ष हमसे दूर हो जाते हैं तो स्पष्ट टारगेट होना चाहिए टारगेट स्पष्ट होना चाहिए पहला काम एग्जामिनेशन पहला काम एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में सफलता अचीव करना है किसी हालत में किस बात का अभ्यास करें किस बात का वैराग करें विचारों की स्थिरता के लिए भावनाओं की स्थिरता जरूरी है देखो अभी तक जो स्थिरता की बात चल रही थी विचारों की बात चल रही थी पर विचारों के लिए भावनाओं की स्थिरता जरूरी है विक्षुब्ध मन से स्थिरता नहीं आएगी सारे सारे परिचितों की घड़ी घड़ी याद आएगी तुमको बार 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 तुमको परिचित याद आते रहेंगे हम भावनाओं में से भावनाओं में अपने आप को नियंत्रित बनाए बना के, के चलें यह असली वैराग्य है भावनाओं की दृष्टि से हम कहीं ढीले पोले न पड़ जाएं कहीं कहीं गड़बड़ा न जाएं हमारे ये जो सेलफोन आए ना सेल फोन इनकी समझ में एक व्यापार आ गया भावनाओं का व्यापार कैसा होता है इन्होंने बाज़ार में इन्होंने सोचा बेचा जा सकता है इस व्यापार को और इसके लिए विज्ञापन कितने तरह के हो सकते हैं सौ डेढ़ सौ ढाई सौ तीन सौ हज़ार प्रकार के विज्ञापन हो सकते हैं कैसे भावनाएं जुड़ती हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं लड़की के जब माँ के माँस का माँ का फोन आता है जब विज्ञापन में दिखाते हैं ये क्या चीज़ है ये भावनाओं का व्यापार फोन वालों को समझ में आया उन्होंने सेटअप बना दिया दस नए पैसे में एक एसएमएस करेंगे तो आपको तीन इतने दस फ्री मिलेंगे दस एसएमएस फ्री मिलेंगे अब करेगा करेगा फ्री मिलेंगे फिर उनका व्यापार चलने लगेगा ये क्या है लोकल कॉल करेंगे तो एस फ्री मिलेगा आप किसका नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं एक लड़की का फ़ोन आता है मेरे पास कि आप किसका नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं आप हमारा नेटवर्क यूज़ करिए ना मैंने कहा हम किसका नेटवर्क यूज़ करें दिव्यश व्यास से पूछ लीजिए वो बताएंगे हमको हमको क्यों, हमको नहीं मालूम हमको तो फ़ोन से मतलब है और आगे से इस नंबर पर फ़ोन मत करना हमने तो उसको डांट लगा दी पर न जाने कितनी एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट लड़कियाँ होती हैं जो इस तरह के फ़ोन करती रहती हैं तो भावनाओं के बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है ये पहली बार सिखाया हमको नेटवर्क ने नेटवर्क इंटरनेट वाला नेटवर्क ये वाला 4G आ गया है 3G आ गया है मालूम नहीं कब 5G आ जाएगा कितनी तरह की चीज़ें आ जाएंगी सब कुछ आपके पास अवेलेबल है सब कुछ आपके पास आदमी सोशल साइट्स की वजह से अनसोशल हो गया है इस सोशल नेटवर्क की वजह से अनसोशल हो गया है जिसको देखो वो यही कर रहा है बस फिर कान से लगा लेते हैं फिर कान से लगाने के बाद भाई सब कुछ कर, कर रहे हैं कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं आदमी इतना अनसोशल हो गया है कि आदमी बात ही नहीं करता किसी से बात नहीं करता चुपचाप अपना काम करता रहता है इस पर ब्लैकबेरी होगा तो ब्लैकबेरी में काम करता रहेगा टच फोन होगा तो टच फोन में काम करता रहेगा इस चीज़ ने आदमी को एक दूसरे से दूर कर दिया है इन्होंने भावनाओं का मार्केट अपने हाथ में ले लिया भावनाओं का मार्केट दूसरी एक और कंपनी जिसने भावनाओं का मार्केट हाथ में ले लिया इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी वो डराते हैं आपको चिंता में डालते रहते हैं देखिए आपके पूज्य पिताजी मान लीजिए मर गए आपकी भैंस मर गई मान लीजिए आपके घर पे अगर बिजली गिर गई मान लो तो फिर क्या होगा तो उनका उनका बिजनेस भी भावनाओं शोषण पर गिरा हुआ है आदमी डर जाता है आदमी स्वभाव से डरपोक है डरपोक होने ना के नाते कहता है कि क्या करना पड़ेगा कुछ नहीं एक हज़ार रुपया महीना बस प्रीमियम देना है और कुछ नहीं धीरे 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 करके वो उसके घर में घुस जाता है फिर एक हज़ार रुपये पर मंथ सबका करवा देता है बीमा बीमा करवा देता है और उसका बिजनेस चल चल निकल पड़ता है डर के मारे लोग पैसे मुझे देते हैं इंश्योरेंस वाला कहता है मुझे नाश्ता भी कराते हैं मेरी कंपनी का धंधा खूब चलता है मैं पूछता हूँ कहता हूँ कैंसर हो गया तो क्या करोगे कहाँ से लाओगे पैसा हाँ कैंसर हो सकता है कभी भी हो सकता है आदमी इतना डरपोक है कि सोच सोच के आदमी बीमार होता है सोच सोच के आदमी बीमार होता है आदमी क्या सोचता है कि उसको छाती में दर्द था मुझे भी छाती में दर्द नहीं हो जाए कहीं मतलब मेरी उसकी उम्र एक ही है मैं भी इतने साल का वो भी इतने साल का हम दोनों की उम्र एक है। हम दोनों एक जैसे जी, एक दिखते भी हैं एक जैसी उम्र के ही हैं उसको तकलीफ हो गई मैं कभी कल्पना भी नहीं थी कि वो बीमार हो जाएगा हाइपर असिडिटी थी केवल ऐसी डकार दगार, खट्टी डकारें आती थी उसको और एक दिन हार्ट अटैक हो गया मुझे भी खट्टी डकारें आने लगी हैं अब सोचता है कहीं मैं भी मर गया तो मेरी बीवी का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा जितने दिन सोचोगे उतने दिन तुम्हारे नज़दीक बीमारी आ रही है जितने दिन सोचोगे उतने दिन सोचिए कि यमदूत जो बैठे हुए हैं पेड़ों के ऊपर वो सोच रहे हैं कि अरे यार, यार ये तो भाई साहब याद कर रहे हैं इनको चलते हैं अटैक कर, तो कर देते हैं तो वो अटैक कर देते हैं जा कर के और तुम तो बीमार आदमी भी बीमार हो जाता है ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने बिजनेस पकड़ा है ना बहुत धंधा बहुत बढ़िया बड़, पकड़ा है भावनाएँ संकट में डालती हैं और बड़ा चिंतित करती हैं सबका तारतम्य बिगाड़ देती हैं पूरा हमारा एक तारतम्य का मतलब क्या होता है कि हमारी जो जैसे ये चीज़ है बजाने वाली कौन सी तो आप बजाने वाली कौन सी है हाँ सितार है जैसे सितार का अगर सुर बिगड़ जाए तो क्या होगा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा कोई सुनना नहीं चाहेगा सुर में है सितार सुनना चाहेगा जीवन का तार सितार गड़बड़ा जाता है जीवन की ट्यूनिंग गड़बड़ा जाती है तार तब में बिगड़ना है ना ट्यूनिंग बिगड़ जाना इन सब चीज़ों से भय से भावनाओं के में आए संकट से सपना आया रात को मम्मी को देखा मम्मी को देखा पढ़ने में मन नहीं लग रहा आज नो नेटवर्क फोन नहीं लग रहा है बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं पर नहीं लग रहा है आस्थाओं को नियंत्रित भावनाओं को नियंत्रित करने का तरीका एक ही है बस एक ही तरीका मैं आपको बताता हूँ जो फाइनल फॉर्मूला है भगवान पर भरोसा गुरु पर भरोसा भगवान पर भरोसा भाई हमने विश्वास रखो भाई भगवान है भगवान है तभी तो सृष्टि चल रही है तभी तो इस सृष्टि पर संतुलन है तभी तो सब कुछ है यहाँ पर भगवान है यदि आपको विश्वास है गुरु है यदि विश्वास है तो सब ठीक होगा ये विश्वास मन को बांध देता है ये विश्वास मन को पकड़ के रगड़ करके एक खूंटे से बांध देता है अरे कोई चिंता की बात नहीं कुछ भी नहीं होगा हम यहाँ पढ़ते रहेंगे हम अपना काम करते रहेंगे वो लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम अच्छे नंबर लाओगे और तुम यहां बैठे बैठे उनको याद किए जा रहे हो क्यों कर रहे हो फिर परेशान उनके मन को भी परेशान कर रहे हो अपनी भावनाओं को परेशान कर रहे हो आहत मन से और विक्षुब्ध भावनाओं से आदमी कभी अपनी पूरे ऑप्टिमम को नहीं पा सकता अपने पूरे ऑप्टिमम को पाना है मैं मा मैं जानता हूँ अगर एक आध न्यूज आ जाती है कि चाचा जी बीमार हैं और वो बीमार हैं और माँ बीमार हैं या पिताजी बीमार पर तुम जा तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना तुम जा क्या कर लोगे वहाँ तुम यहाँ से हालचाल पूछते रहो और पूछने के साथ साथ प्रार्थना करते रहो भगवान पर भरोसा रखो और उनसे भी कहो कि हमने हमने अपनी प्रार्थना सल्य श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पे कह दी है प्रज्ञेश्वर महाकाल पे कह दी है ऊपर जीजी डॉक्टर के पास पहुँचा दी है आप चिंता मत करिए आपका इतना कहना उनको इतना बल देगा कि उस बल से वो सब कुछ कर लेंगे पर आप अगर वहां पहुंच गए तो एक आदमी और पहुंच गया वो भी क्लास छोड़ करके यहां से अब नकली सर्टिफिकेट देना पड़ेगा मेडिकल का सब कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा पूरा पूरा क्यों पहुंच गए वहां जाके क्या कर लोगे मेरे पास कई बच्चे लोग आते हैं शांतिपूर्ण के कार्यकर्ता हमको जाना है वो बीमार है चाचा जी बीमार है ताउू जी क्या तुम डॉक्टर हो क्या तुम क्या करोगे जाके वहाँ पे करोगे क्या जाके ये बताओ नहीं जाके उनको सांत्वना मिलेगी नहीं मन मिले कोई सांत्वना नहीं मिलेगी उनको लगेगा एक आदमी खाने वाला और आ गया बना बनाते थे दस लोग का खाना अब एक ग्यारह का बनाना पड़ेगा ये कहाँ से आ गया ऐसा मत किया करो तुम लोग तुम लोग अपने जिस भगवान के काम में लगे हो भगवान भरोसा रखो गुरुदेव भरोसा रखो जो अब हम लोग क्या होता है विश्वास में बहुत शक्ति होती है हम सड़क पर जा रहे हैं हम सोचते हैं पीछे से किसी ने टक्कर मार दी तो पीछे मुड़ के देखा पीछे मुड़ के देखा तो आगे से किसी आगे से किसी से टकरा गए हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो सकता है विश्वास कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर सकता है तो विश्वास जो है सच्चा होना चाहिए पक्का होना चाहिए संशयात्मा विनश्यति जिसको संशय होता है उसको विनाश होता है संशय वाले लोग ताले को बार बार चेक करते हैं ताला बंद हुआ कि नहीं तो एक बार बंद कर दिया फिर जाके देखते हैं फिर नीचे जाके मालूम ये ताला लगाया कि नहीं है चाबी तो जेब में ही है फिर जाके ताला चेक करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस में तो दस दस बार जाके चेक करते हैं मजाने कितनी बार उनको मन में लगता है कि देख लें देख लें देख लें शायद कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई बार बार हाथ धोते हैं ये सब ये, ये, ये क्या चीज़ है ये ऑब्सेशंस डेवलप हो जाते हैं ग्रेजुअली ग्रेजुअली आहत भावनाओं के कारण ऑब्सेशंस डेवलप होने लगते हैं अस्थिर मन चिंता करना एक स्वभाव है और ये स्वभाव बन जाता है तो बस उस उस स्वभाव में अगर पाँच बजे शाम की ट्रेन होगी तो सुबह चार बजे तैयार होना चालू हो जाएंगे और शाम को किसी भी हालत में तीन बजे तक पहुंच जाएंगे स्टेशन पे जाके बैठ जाएंगे कि अब ट्रेन आने वाली होगी वह बैठना ही है अब तो जाना ही है क्यों अगर साढ़े चार बजे पहुंच जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है पौने पाँच बजे पहुँच जाते तो क्या दिक्कत था मिल जाती है ना ट्रेन कोई दिक्कत नहीं नहीं वो तो ऐसा है ना कि कहीं छूट जाते तो कहीं छूट जा बस ये ये जो चीज़ है चिंता ये चिंता आदमी को अनिश्चिंत बना देती है निश्चिंतता खत्म कर देती है भावनात्मक उलट पलट है ये अस्थिर भावनाएं विक्षुब्धताएं ये कोई भी काम नहीं करने देती तो वैराग्य क्या कहता है वैराग्य कहता है इनसे वैराग्य ले लो विक्षुब्धताओं से वैराग्य ले लो अस्थिर भावनाओं से वैराग्य ले लो अपने भावनाओं को प्रबल बनाओ पक्का बनाओ कैसे ईश्वर विश्वास ईश्वर सब ठीक करेगा ईश्वर सब ठीक करेगा जब ईश्वर सब ठीक करेगा तो तुम्हें तुम्हें क्या करने की जरूरत है तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं एक फूल लिया पुष्प लिया माथे से लगाया सोचा और उसके चरणों में रख दिया भगवान के मूर्ति के गुरुदेव के फोटो के गायत्री माता के फोटो के सामने रख दिया फिर हमें सफलता निश्चित रूप से मिल के चले मिल मिलती रहेगी अस्थिर भावनाएं हमें विक्षिब्ध बनाती कोई भी काम नहीं करने देती तबीयत खराब है घर पर तुम क्या कर लोगे बताओ प्रार्थना करो भगवान को सौंप दो सभी मित्र कुटुम्बीजनों का हित हो जिस कर्तव्य बोध से कर रहे हैं उसका अभ्यास करो जिस कर्तव्य बोध से तुम यहां काम कर रहे हो उसका अभ्यास करो और उसके विपरीत जो बाधाएं आती हैं उससे वैराग्य करो जो कर्तव्य बोध के लिए जिसके लिए तुम यहां हो उसका अभ्यास करो और जो इसके विपरीत जो बाधाएं आती हैं उनका वे, उनसे वैराग्य करो अभ्यासन तो कौनते वैराग्य नीचे गृहते किसका अभ्यास करें किसका वैराग्य करें भगवान एक विश्वास भी है भगवान एक अनुभूति भी है भगवान बहुत बड़ा वाक्य है मैंने जो बोल दिया भगवान एक विश्वास भी है भगवान एक अनुभूति भी है भगवान की अनुभूति अगर होने लगे भगवत तत्व की अनुभूति होने लगी भगवान हमारे अंदर है कोई दिक्कत नहीं है कथा सुनाता हूँ छोटी सी योगी कथा कथावृत में आई है श्यामाचरण लाहिड़ी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि भगवान आपकी एक फोटो दे दीजिए श्यामाचरण लाहिड़ी को जानते हैं ना आप लोग महावतार बाबा के शिष्य थे योगी कथा कथावृत पढ़ा है किसी ने ऑटोग्राफी ऑफ योगी पढ़ी है कितने लोगों ने पढ़ी है ऑटोबोग्राफी ऑफ योगी कुछ कम लोगों ने पढ़ी है आपको शायद आइडिया नहीं होगा ये सारे के सारे सिद्ध पुरुषों में से एक हैं आज से सौ डेढ़ सौ साल पहले हुए हैं और श्यामा लाहिड़ी तो एक गृहस्थ थे सन्यासी थे मैंने उनकी कहानियाँ भी तुमको कई बार सुनाई हैं उनकी श्यामा लाहिड़ी के पास आया एक शिष्य और उसने कहा आपकी एक फोटो दे दीजिए ताकि वो कई काम कराएगी उन्होंने कहा कि हमारी हमारी फोटो क्या 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 आप क्या, क्या काम कराएगी बोले आपकी याद कराती रहेगी निरंतर आपकी याद कराएगा तुम्हारा विश्वास अगर गहरा हुआ और हमसे जुड़ गए तो फिर रक्षा कवच का काम करेगी चलो ले जाओ एक फोटो दे दी भाव ज़्यादा गहरा हुआ तो अनुदान वरदान वरदान भी देगी भाव ज़्यादा गहरा हुआ तो अनुदान वरदान भी देगी यह काम होगा तुम्हारे मन से फोटो से नहीं होगा तुम्हारा मन तुम्हारी अटूट विश्वास तुम्हारा इसके इसके ऊपर फेत तुम्हारा मन कितना ले सकता है इस पर निर्भर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पात्रता मन में होती है बाहर नहीं होती पात्रता मन में होती है मन की पात्रता को विकसित करना पड़ता है कैपेसिटी डेवलपमेंट वहाँ से चालू होता है वो आदमी फोटो ले गया उस इलाके में कई जगह बिजली गिरी परंतु तो उस मक, उस आदमी के मकान में उसका घर बच गया और उसके घर बचने के साथ साथ बाकी हिस्से में नुकसान हुआ आर्थिक संकट बीच में कई बार आया पर उसका विश्वास था गुरु के ऊपर उस चित्र के ऊपर पत्नी को उससे भी ज़्यादा विश्वास था तो उसने कहा कि हे hey गुरुदेव आप सर्वसमर्थ हो गुरुवर आपने आपने ही हमें बचाया आपने हमें बचाया ये फोटो का चमत्कार नहीं है ये अपने विश्वास का चमत्कार आपका विश्वास एकलव्य का विश्वास मूर्ति पे किस पे विश्वास मिट्टी की मूर्ति पे विश्वास उस, उसने नहीं देखा द्रोणाचार्य को मूर्ति बना ली विश्वास ही श्रद्धा डेवलप करवाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है कौन सा कौन सा कौन सा श्रद्धा का पक्ष श्रद्धा का पक्ष वो जिसमें कि आप आरोपित करते हैं अपना विश्वास भगवान के ऊपर भगवान से हम क्या ले सकते हैं ये हमारे मन पर निर्भर है या हमारे मन पर निर्भर है? है मैं अपने जेब में फोटो रखता हूँ इसमें गुरुदेव हैं और गुरुदेव के साथ हमारे अपने अंगवियों से वाला पत्रक है जिसको कि गुरुदेव ने कहा नो नित्य पढ़ना है नित्य पढ़ना है तो फिर जेब में रखना है क्योंकि फिर कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसकी और एक हमारा युग निर्माण सत्संकल्प ये युग निर्माण सत्संकल्प जो है ये भी हमेशा याद रखने की चीज़ है क्योंकि यही इसी के आधार पर हमारी ज़िंदगी चलने वाली है ये हमारा मैनिफेस्टो है ये दो किताबें रखता हूँ इसके अलावा दो का कैलेंडर रखता हूँ वो इसके अंदर है मेरे दो कार्ड हैं वो इसके अंदर रहते हैं वो इसमें रखता हूँ एक शुक्ला जी देंगे मुझे वो आठ आठ फोटो वाला चित्र है ये आठ फोटो वाला चित्र है ये देखो चार इधर हैं दिख रहे हैं तुमको चार इसमें माता जी हैं प्रखर प्रज्ञा है मशाल है गुरुदेव है दिखाई दे रहे चार चार इस तरफ है चार इस तरफ है इसमें एक है गायत्री यंत्र गायत्री महामंत्र गायत्री माता और दादा गुरु चार अब ये चित्र जितनों को मैंने दिए ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने कहा कि चित्र यहाँ पड़ा रहा और बस रखा रहा हमने कभी नहीं निकाला और ये हमारी रक्षा करता है विश्वास पर निर्भर करता आपका विश्वास कितना है आपके अंदर विश्वास है कि नहीं इसके ऊपर आपके अंदर विश्वास है कि नहीं तुम लोग तुम लोग चाहो तुम लोग भी रख सकते हो भगवान से हम क्या ले सकते हैं हमारे मन पर निर्भर है मन की संरचना के लिए हमें अभ्यास करना होगा मानसिक कार्यात्मक दूरियां बनी हुई हैं उन्हें दूर करना पड़ेगा कार्य की सही शुरुआत करनी पड़ेगी इसके लिए अभ्यास से क्या चीजें हो सकती हैं सात चीजें हो सकती हैं अभ्यास अभ्यास के लिए क्या करें अभ्यास के माध्यम से समन्वयता बढ़ाएं हारमोनी हारमोनी अमंगस्ट ईच अदर हारमोनी अपने अंदर इनर हारमोनी और इनर अपनी इनर इंजीनियरिंग इनर हारमोनी आसपास के साथ हारमोनी दूसरा मन की एकाग्रता तीसरा तल्लीनता हारमोनी एकाग्रता तल्लीनता चौथा है मन की संवेदनशीलता इसको बढ़ाने की कोशिश करें अभ्यास के माध्यम से पांचवा है समझ अपनी इंटेलेक्चुअल डेप्थ वो बढ़ाने की कोशिश करें सातवां है कुशलता अपनी स्किल स्किल पावर आपका ये कैसे कुशलता बढ़ा सकते हैं और लास्ट है इंट्यूटिव नॉलेज इंट्यूशन इंट्यूशन हो जाता है कई बार जब मन विकसित होता है मन एक्सप्लोर्ड होता है तो इंट्यूशन डेवलप हो जाता है बस यही ज़िंदगी भर काम आने वाली सात चीज़ें हैं मन के विकास से मन का विकास होगा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कोई छूट गया तो देख लेना समन्वयता हारमोनी एकाग्रता तल्लीनता संवेदनशीलता समझ कुशलता इंट्यूटिव नॉलेज इंट्यूटिव नॉलेज इंट्यूशन इंट्यूशन दूर का जान लेने की क्षमता यह सब डेवलप होता है प्रैक्टिस अभ्यास का मतलब क्या होता है इंग्लिश में प्रैक्टिस डॉक्टर जीवन भर करता है रिपीटेडली वही काम करता है एक फ्रेश एमडी आया है या फ्रेश एमएस आया है एक पुराने प्रोफेसर में और उसमें क्या अंतर है पुराना प्रोफेसर कई बार मरीज देख चुका है इसलिए उसको अभ्यास डेवलप हो गया है देखने का उसके अंदर इंट्यूशन डेवलप हो गई है कि अगर ये है तो ये होगा अभ्यास किया हुआ डॉक्टर एक दवा से ठीक कर देता है समझ से मन प्रकाशित हो जाता है और सही बात सही समय पर वो आती है समझ में तो वो ट्रीटमेंट भी वही बताता है और जो नया एमडी रहता है नया एमएस रहता है वो नहीं कर पाता ये बात धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करना पड़ती है और प्रैक्टिस रोज़ करना पड़ती है सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करना पड़ती है ऐसे नहीं काम चलेगा हमने छः महीने पहले किया था और एक साल पहले किया था अभी तब से हम बैठे हुए हैं और हमको कुछ नहीं मालूम कुछ नहीं आता नहीं प्रैक्टिस तो रेगुलर करना पड़ेगी चाहे आपकी पायलट हो तो उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और चाहे आप ड्राइवर हो तो ड्राइविंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चाहे आप एडवोकेट हो तो एडवोकेट की प्रैक्टिस करना पड़ेगी डॉक्टर हो तो डॉक्टर की प्रैक्टिस करना पड़ेगी समझ से मन प्रकाशित हो जाता है सही बात सही समय पर आने लगती है समझ में और यह अभ्यास का शिखर है ये प्रैक्टिस का शिखर है इस शिखर पर पहुंचना तुम्हारा काम अभ्यास के माध्यम से प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट मुझे अभी तो अभी तक तो की याद है मैं जब पिताजी घर आते थे कोर्ट से तो मैं पढ़ रहा होता था तो पिताजी कहते थे बेटा अभ्यास कर रहे हो वो ये नहीं बोलते थे पढ़ रहे हो अभ्यास कर रहे हो कहाँ पापा अभ्यास कर रहे हैं बस उसके बाद जब हम पढ़ लेते थे पढ़ाई कर लेते थे तो बस, अच्छा बताओ तुमने अभ्यास क्या किया आज उन्होंने कभी वर्ड यूज़ नहीं किया पढ़ाई का कि तुम पढ़ रहे हो पढ़ाई कर रहे हो ये कर रहे हो अभ्यास वर्ड वह यूज़ किया गीता खुद पढ़ते थे गीता के बहुत अच्छे विद्वान थे और गीता के माध्यम से उन्होंने ये सीखा कि प्रैक्टिस वर्ड बोलना चाहिए प्रैक्टिस यानी अभ्यास तुम लोग भी जीवन में अभ्यास को एक आधार बना लो अभ्यास आपका आधार बन गया तो आप क्या करेंगे आप जहाँ जब भी कुछ करेंगे रिपीटेडली उसको करते चले जाएंगे तो उस अभ्यास एक वो वो बन जाएगा जीवन की आदत बन जाएगा अभ्यास से आदतें बनती है आदतों से व्यक्तित्व तो बनता है व्यक्तित्व से आदमी का चरित्र बनता है अभ्यास से आदतें आदतों से व्यक्तित्व व्यक्तित्व से चरित्र तो ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है कंटिन्यूस किए जाने वाला काम है अपने उत्तर बनाने का जिस कार्य का अभ्यास कर रहा है अपने उत्तर बनाने का कोर्स पढ़ने का उसे समझ में आ जाएगा किन बिंदुओं को किन संदर्भों को छूना है किन बिंदुओं को छूना है किन संदर्भों को छूना है रटंत विद्या नहीं रटने वाला काम नहीं मेरी ग्रैंड डॉटर है छोटी वाली वो छठ जो बड़ी वाली जो जो फिफ्थ में पढ़ती है वो उसने मेरे से कहा कि मुझे इस पर एक प्रोजन मुझे इस पर लेक्चर देना है वाद विवाद में तो मेरी मम्मी ने थोड़ा सा लिखा दिया है इसका समापन कैसे करना है आप लिखते है। मैंने कहा पाँचवीं के बच्चों को इतना लिखना पड़ता है मैंने फटाफट 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 लिख के दे दिया उसको छः सात लाइन आठ लाइन लिख के दे दी मैंने क्लाइमेट क्लाइमेटिक चेंजेस किसके ऊपर था अब उसने क्या किया वो लेकर के चली हॉल में वहाँ वह से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वो रट रही थी पूरा पूरा और बाबा ने लिखा है तो ब्रह्म वाक्य होगा बाबा वाक्य और बाबा का लिखा हुआ भी और मम्मी का लिखा हुआ दोनों मिला करके पढ़ रही थी मैंने कहा तू क्या करेगी वहाँ जाके बोले वो बोलना ही तो है माइक के सामने खड़े होकर के रट के इसीलिए जा रही हूँ कि मैं बस शब्दों को याद करके हूँ बोल दूँगी मैंने कहा बेटा यही तो तुम लोगों की गलती है हम लोग समझ करके याद करते थे और तुम लोग रट करके याद करते हो समझ करके बार बार पढ़ने से बार बार पढ़ने से समझ आती है समझ आ जाती है तो इंटीट्यू कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है फिर कभी भी बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं कोर्स पढ़ने का उसे समझ में आ जाएगा किन बिंदुओं को संदर्भों को छूना है चाहे वोकल हो चाहे लिख कर प्रस्तुतिकरण प्रस्तुतिकरण की शैली आ जाएगी चाहे इंटरव्यू देना हो कि बाहर जब जाओगे बड़े पोजीशन में जाओगे तो वहाँ तुमको प्रस्तुतिकरण देना पड़ेगा जब तक हम मन में स्पष्ट ताना बाना नहीं बनाते तब तक हम चाहे बोलने का बहुत अच्छे हों बो, बोलने में पर यदि ताना बाना नहीं बनाया तो मन में बोल नहीं पाओगे असफल हो जाओगे अभ्यास से ही स्पष्टता आती है अभ्यास से वोकल स्पे, स्पे, स्पेशलिटी आती है और लिखने की भी स्पेशलिटी आती है पहले या लेक्चर देने वाले से पूछो लेक्चर दिन वाला तुमको बताएगा कि कितना ज़्यादा आदमी गड़बड़ाता है जब शुरू में पहली बार बोलता है धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है तो आ जाता है सभी पढ़ते हैं बोलते हैं पर वो प्रभाव नहीं डाल पाते क्यों नहीं बोल पाते उनमें स्पष्टता नहीं होती उचित तर्क नहीं होता समाधान नहीं होता निष्कर्ष नहीं होता चार चीज़ें चाहिए प्रस्तुतिकरण के लिए स्पष्टता जो भी आप बोल रहे हो लिख रहे हो स्पष्ट उचित तर्क लॉजिक सही हो लॉजिक होना चाहिए समाधान समाधान हो चौथा निष्कर्ष निष्कर्ष ये निकला है कि निष्कर्ष में ये इस तरह से करना चाहिए बात लिखने में भी नहीं बोलने में भी वही लगती है बोलने में भी यही काम आती है परम गुरुदेव गुर्दे का प्रवचन देख लो और परम की जो सबसे सब बड़ी क्वालिटी है दोनों में शिखर पर उनकी ममरतवाणी में भी शिखर पर और लिखने में भी शिखर पर लिखने में भाषा थोड़ी क्लिष्ट है बोलने में थोड़ी भाषा सिंपल है पर दोनों से इतना ज़्यादा नॉलेज मिलता है इतना ज़्यादा ज्ञान मिलता है अंदर तक चला जाता है इतनी ज़्यादा अमृतवाणी हमारे पास रिकॉर्डेड है कि हम दिए जा रहे हैं नाइनटीन से और कंटिन्यूस अभी तक हमारे पास मरी हुई हैं गुरुवर की धरोहर आ, का भाग पाँच चाप छः भाग सात आठ निकालने की संभावना है इसी के बाद तुरंत बाद अमृतवाणी गुरुदेव की आ, हर रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान देती है तो वाणी से भी और लेखनी से भी दोनों से आप दे सकते हो अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति दे सकते हो स्पष्ट अभिव्यक्ति देना मन की समझ से डेवलप होता है मन की समझ से और मन को कंट्रोल में करने का काम है अभ्यासें तो कोते वैरागण चिक्रीते उन चीजों से दूर हटो जो तुमको प्रोकस्टिनेशन की तरफ ले जाती है वकील एक लाख रुपए लेता है एक बार खड़ा होने का एक बड़ा वकील जो होता है एक लाख लेता है बोलता है पेशी में ठीक करा दूंगा तुम्हारा केस ठीक करा दूंगा वो केस निकाल लाता है और एक दूसरा वकील होता है तारीख बढ़वाता रहता है तारीख बढ़ाता रहता है वो कहता है मैं पता लगा रहा हूँ कि कैसे लिंक बनेगा क्या बनेगा वो छोटा वकील है ये बड़ा वकील है ये बड़ा वकील है भले एक लाख ले रहा हो पाँच लाख ले रहा हो पर लोग उसके पास जाते हैं क्योंकि वो एक लाख में पाँच लाख में वो पूरा पूरा विश्वासपूर्वक अपनी बात को कहता है जज को प्रभावित कर लेता है उसे बारीक मालूम है वकील की प्रैक्टिस अच्छी है वकील ने प्रैक्टिस की है डॉक्टर ने प्रैक्टिस की है ऑरिटर ने बोलने वाले ने प्रवचन देने वाले ने प्रैक्टिस की है प्रैक्टिस नहीं होगी अभ्यास नहीं होगा तुम्हारा अभ्यास अगर तो तुम मजबूत नहीं होगा तुम कहाँ बोल पाओगे कहाँ कहीं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे एक बार विद्यार्थी की ओर देखो तो विद्यार्थी का काम भी लगभग वैसा ही है वकील जैसा ही डॉक्टर जैसा ही जब तक उसे खूबियाँ समझ में नहीं आएंगी कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप कर नहीं पाओगे इसलिए खूबियाँ समझ में आना जरूरी हैं जो मटेरियल है आपके पास और जो कंसेप्ट वो क्लियर होना चाहिए विषय के साथ दोस्ताना रवैया अपनाना होगा विषय के साथ दोस्ताना फ्रेंड बन जाओ बी फ्रेंड विथ सब्जेक्ट विषय के साथ दोस्त बन गए तो उसके बाद फिर अंदर तक चला जाएगा मैटर हमें मालूम होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं इसका मीनिंग क्या है बस इतना समझ में आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है कई बार क्या होता है रट लेते हैं ना तो फिर जो मन में जो आए वो बोल देते हैं और वो जो बोल देते हैं उसका मतलब हमें नहीं मालूम तो जनता हंसती है हम समझ रहे हैं हमारी बात पर हंस रही है पर तो हमारी बात पे नहीं हमारी मूर्खता पे हंस रही है जो मन में आया हमने बोल दिया रट के आए थे ना इसलिए समझ के जाओ समझ के बोलो समझ के कहो समझ के लिखो समझ के सब पूरी बात कहो वैसे वकील डॉक्टर की तरह सामान्य लेक्चर वाला प्रोफेसर में अंतर होता है संदर्भ तो विद्यार्थी भी जुटा लेता है रेफरेंसेस तो आप भी जुटा लेते हो पर एक प्रोफेसर में और एक लेक्चरर में क्या अंतर होता है वो सारे के सारे चीज़ों में एक्सपर्ट होता है और इकट्ठी कर लेता है कंसंट्रेशन की पावर से एकाग्रता का आज संभव है प्रोफेसर के पास टाइम ना हो पर अंडरस्टैंडिंग व समझ दोनों हैं उसके पास वो पिछला जो है ना न जाने कितने दिनों का अनुभव वो काम आता है मैं स्वाध्याय करता रहता हूँ निरंतर मैं मानता हूँ स्वाध्याय करता रहता हूँ पर इतना ज़्यादा स्वाध्याय नहीं कर पाता मैं इतना मुझे मुझे से व्यक्तित्व करना चाहिए तो भी मैं अपनी पिछली समझ को विकसित करके पिछली विकसित समझ को अपने अंदर इन्वोक करके कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उड़ेल दूँ ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ यह एक श्रेष्ठ शिक्षक का काम यही है कि अपने नॉलेज में अपनी समझ और अपने इंट्यूशन को डाल करके अपने विद्यार्थी के अंदर उड़ेल देना डाल देना तुमने एक श्लोक सुना होगा तेजस्विनावीत मस्तु माँ विद्विषा भाई तेजस्वी मत क्या मतलब है? हमारा अध्ययन तेजस्वी हो आज का अध्ययन तेजस्वी नहीं है आज का अध्ययन हल्का हो गया है मंदा हो गया है हमारा अध्ययन तेजस्वी हो हम तेजस्वी बने और यह प्रोफेसर जो, क, जो की तरह से जो कहने की बात है वैसे तुम भी बनो तुम भी कह सको दोनों के अभ्यास से कुशलता आएगी दोनों के अभ्यास से हमारे भी और शिक्षक शिष्य के भी शिष्य और तेजस्वी आदित्य मस्तु जी उस, उसके साथ एक सूत्र जुड़ा हुआ है कि युवा सत युवा बनो अध्याय कह अध्याय श्वेता श्वेत उपनिषद का है और ऐसे ऐसे डोमिनेट बनो कि अपने विषय में प्रवीण हो जाओ और उस उस ज्ञान को तुम हर किसी को देने के लिए तैयार हो जाओ अभ्यास से कुशलता बार बार नई कोपले निकालना बार बार नई कोप जैसे पेड़ में नई नई कोपले निकलती हैं तो सुंदर लगती हैं फूलों में सुगंधी पैदा करना अच्छे अच्छे जैसे गार्डनर मालिकित माली जो होता है कुशल माली वो जिस तरह सुगंध पैदा करने वाला काम करता है ऐसे तुम्हारे वाक्यों से तुम्हारे लेखन से सुगंधी आने लगे नई सुगंध नया अभ्यास रोज पैदा हो इसके लिए तुम प्रैक्टिस करो दोनों अभ्यास और वैराग्य मन को स्थिर बनाते हैं ये लास्ट लाइन है मैं जो बता रहा हूँ स्थिर बनाते हैं समग्र बनाते हैं समर्थ बनाते हैं और प्रभावशाली बनाते हैं जो मैंने कहा ना अभ्यास कोण थे वैराकिणच दोनों अभ्यास और वैराग्य मन को स्थिर बनाते हैं स्थिर इधर उधर नहीं डोलने देते समग्र बनाते हैं मेले में जाता है आदमी बच्चा इधर ध्यान जाता है फिर इधर ध्यान जाता है इधर ध्यान जाता है आपका मन भी ऐसा ही है मेले के बच्चे की तरह से ये भी अच्छा ये भी अच्छा पापा ये ले लीजिए पापा ये ले लीजिए पापा ये ले लीजिए पापा ले लीजिए बस तो पर पापा जानता है कि इस बच्चे का मन थोड़ी देर बाद इधर से उधर हट जाएगा इसलिए वो आखिर में लास्ट में जब निकलते समय जो इसको पसंद आता है उसको दिलवा देता है एक चीज़ कोई आपका मन बच्चे की तरह से ना हो आपका मन मजबूत हो परिपक्व हो प्रोफेसर की तरह से हो उनको स्थिर समग्र समर्थ और प्रभावशाली बना सको ऐसा तुम्हारा ये एग्ज़ाम तुमको निकले तुमको तुम्हारा, तुम्हारा एग्जाम सफल हो तुम्हारे को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन और जब तक मैं आऊँगा तब तक तुम्हारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे मैं तेरह तारीख को आऊँगा और उसके बाद बारह तारीख को आऊँगा उसके बाद तेरह तारीख से एग्जाम शुरू हो जाएंगे खूब खूब मंगल कामनाएँ तुम्हारे जीवन में सफलताएँ सफलताएँ आएँ और तुम अच्छी तरह से अचीव करो सब कुछ अचीव करो जो तुमको करना है विक्षुब्धता को मन से निकालना भावनाओं को स्थिर रखना शांति पाठ ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्ति औषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदि ॐ शान्ति 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 उस सत्ता को नमन जिनकी कृपा से यह संभव हो पाया एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग बैठे हम बातचीत कर रहे हैं ओ नमो सहस्र, सहस्र पा